जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतरता है, ऐसा मेरे ताऊ ने कहा था। बड़े बातूनी हो बालक, किंतु ये बालकों का खेल नहीं। उत्तम, क्योंकि खेल खेलने का समय मेरे पास भी नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे पिताश्री की रक्षा करने हेतु महामुनि व्यास को महारानी गांधारी तक पहुंचाना है। हस्तिनापुर से बद्रीधाम की ओर जा रहे थे। अवश्य ही, हमने अपना मार्ग बदल लिया बिना जाने। असंभव, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं हम। अवश्य ही, महामुनि ने हमारी आंखें बांध दी होंगी। बातों से ना ही भूल का निवारण होगा ना ही बंधन का उपाय होगा। मुझे तो केवल मेरे पिताश्री के प्राणों की रक्षा करनी है। सैनिकों, इस बालक के पीछे जाओ, यदि कोई मार्ग मिले तो आकाश में जलता तीर छोड़कर संकेत देना। जाओ, और हमारा रथ उस दिशा में मोड़ लो। Thank you.
हस्तिनापुर कैसे आ गए? अवश्य कोई माया है ये। उसे जाने क्यों दिया रहा था? कर्ण भी बालक है, उस पर कोई विपत्ति है तो क्या होगा? पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे पिताश्री पे पूर्ण विश्वास है, वो अपना प्रण सदा सफल करते हैं। विश्वास रखो अधिरथ, वृक्ष का मूल कितना भी कोमल हो धरती को चीर ही देता है। सारी विपत्तियों से युद्ध करके प्रातःकाल से पूर्व महामुनि को अवश्य ले आएगा। तब तो उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सुजनों, न्याय प्रतीक्षा कर सकता है, प्रतिशोध प्रतीक्षा नहीं करता। आज प्रातः काल से पूर्व ही सूत अधिरथ की मृत्यु होने वाली है। मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए गांधार राज, मेरी सहायता कीजिए महाराज। Thank you.
बालक, अद्भुत। लो, लो, मेरा हाथ पकड़ो। ताऊ ने कहा है जो ऊपर है उनका हाथ पकड़ते नहीं और जो नीचे है उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। हम योद्धा हैं महाराज, शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं, माया के सामने लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा कीजिए गांधार राज। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और यदि हम आपके साथ गए तो मृत्यु अवश्य निश्चित है। आगे और भयानक माया होंगी गांधार राज। मैं उस दिशा में जाऊंगा। वहां तो भारी कुआसा है बालक, इसलिए तो महामुनि अवश्य वहीं होंगे। अभी प्राण मत से आगना अधिराज, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया। मरण रहे सूत अधिरथ, वृक्ष को फल आता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है, मोर के पंख निकलते हैं तो उसका आखेद किया जाता है। निर्बल और निसहाय को दिव्य पुत्र पाने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे मृतदेह पर पड़े हर गांव उसको स्मरण कराएंगे कि ग्राम रक्षक मदंजे का अपमान करने का क्या फल मिलता है। सहायता करो, कोई है जो इस वृद्ध की सहायता करे? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है। केवल माया है बालक, चलो। हे ईश्वर, इस पीड़ा से मुक्ति दे, मदद करो। यदि किसी को
वास्तव में सहायता की आवश्यकता होगी तो? इस समय मेरी बहन को सहायता की विशेष आवश्यकता है बालक, और मेरे पास समय नहीं किसी की याचनाओं को उत्तर देने का। चलो। अरे कोई है, मदद करो। महामुनि पधारे हैं? महामुनि नहीं आएंगे कांधार कुमारी। तुम्हारी मातृत्व का सूर्य उदय होने से पहले ही अस्त हो चुका है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महादेव का वरदान विफल नहीं हो सकता। अरे महादेव का वरदान विफल नहीं हुआ गांधारी, तुम्हारा जन्म विफल हुआ है। सिन्ही का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है, वरदान को धारण करने की पात्रता नहीं तुम्हारी, और इसीलिए अब हस्तिनापुर की महारानी बने रहने योग्य नहीं हो तुम। प्रातः काल ही मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। सहायता करो। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम्हारा बहुत आभार है। आप इस घाव पर वस्त्र बांध लीजिएगा सज्जन, मुझे जाना होगा। बालक, इस भयानक स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? महामुनि व्यास को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें हस्तिनापुर ले जाना है प्रातःकाल से पूर्व। किंतु महामुनि तो अपनी तपस्या भंग नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, मेरे पिता के प्राण संकट में हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं उन्हें सर पर उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा योग्य है पुत्र, किंतु बल की भी एक मर्यादा होती है। मैंने इस वृक्ष को भी उठाया था ना? वृक्ष प्रतिकार नहीं करता, वृक्ष का अपना कोई संकल्प नहीं होता।
बल से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे वत्स? मैं नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए वत्स? विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव।